झुंझुनू जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने महिला एवं बाल विकास विभाग के परिसर में महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों के संचालन, प्रशिक्षण और सिलाई केंद्र के लिए अमृता महिला शक्ति केंद्र भवन की नींव रखी है। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस भवन के बन जाने से जिले में महिला एवं स्वयं सहायता समूह के फेडरेशन और अमृता बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समितियों के तहत महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण और क्षमता संवर्धन की गतिविधियों में विस्तार होगा। इस भवन के निर्माण पर 15 लाख रुपए की लागत आएगी और इस राशि का संग्रहण इस फेडरेशन की महिलाओं ने 10-10 रुपए का अंशदान देकर किया है। इस फेडरेशन में वर्तमान में 21,000 महिला सदस्य हैं और इन महिलाओं को 8 करोड़ रुपए की रेड सैनिटरी नैपकिन उत्पादन आदि इकाइयों को संचालित करने के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।